हेलो एंड वेलकम सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं भाई आप लोग? सब बढ़िया एकदम। चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया मौज में मस्ती कर रहे होंगे, है ना। चलिए हम भी बढ़िया, आज चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए आज की जो क्लास हमारी चलेगी ना, इस क्लास में हम आपको बताएंगे पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना भाई। गुड इवनिंग बंधुओं, गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए फटाक से, स्वागत है आप लोगों का। जुड़ जाइए, जुड़ते ही सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को भाई, अटेंडेंस लगा देना है, ठीक है ना। अटेंडेंस लगा देना कि सर हम आ चुके हैं, ठीक है। देखिए हम आपको बताएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है ना, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में हमने nth टाइम डिफरेंशिएशन हमने सिखाया था आपको, है ना। nth टाइम डिफरेंशिएशन सिखाया था, अब हम सीखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, है ना। तो आज क्लास देखिए हम ये देखने वाले हैं कि पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, है ना। पहली बार हम ये देखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, दोनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम पार्शियल डेरिवेटिव उसके बारे में हम दो तीन क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग साथ में जुड़ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए और फिर हम आपको बताते हैं एकदम बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया वे से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर शायद 9 था, है ना, चैप्टर नंबर 9 था मैथ में, मैथ्स चैप्टर नंबर 9 था शायद डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, कोई बताना चाहेगा? देखिए ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं ये चीज़, हम बस आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं, है ना, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिए, हाँ जी। देखिए हम क्या बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो हमने क्या कहा डिफरेंशियल इक्वेशन आपने 12th क्लास में चैप्टर नंबर 9 था शायद, है ना, आप लोग पढ़ चुके होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो सिंपली क्या होता है, ये एक तरह का इक्वेशन होता है, है ना। एक तरह का क्या होता है, इक्वेशन होता है जिसमें कम से कम एक आपके डेरीवेटिव हो, कम से कम एक जो आपका टर्म हो वो क्या हो, डेरीवेटिव हो, है ना। कम से कम एक टर्म क्या हो, डेरीवेटिव हो, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए कोई फंक्शन आपके पास y दिया जाता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया जाता है ना, तो हम किसी न किसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी अगर हम dy वाई बाई डी एक्स करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो होता है ना एक डेरीवेटिव होता है। dy वाई बाई डी एक्स क्या होता है भाई, dy वाई बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, एक डेरीवेटिव टर्म है, डेरीवेटिव टर्म है जो कि क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, ठीक है। x क्या है, x पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा है। यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें एक डेरिवेटिव हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिंपल सी बात, जिसमें एक डेरिवेटिव हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, आप बस यहाँ समझिए। लैंग्वेज जो होगा सब आपके नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा किस तरह से आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। आप बस यहाँ समझिए क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक क्या हो, एन इक्वेशन विच कंटेंस एटलीस्ट वन डेरिवेटिव एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। वो क्या होता है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्लास ट्वेल्थ में आप पढ़ चुके हैं, है ना, क्लास ट्वेल्थ में ये सब पढ़ चुके हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स की। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। देखिए बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स की। जितने लोग आए भाई सब लोग अटेंडेंस लगा दीजिए बढ़िया से एकदम। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वन टू, कौन कौन से,
पहला जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा होता है भाई? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में ओडीई भी बोलते हैं, ठीक है ना भाई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो इनका दूसरा पार्ट होता है जो आपके सिलेबस में है वो क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया क्या होता है, इसमें कम से कम एक क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ में क्या हो, एक डेरिवेटिव टर्म भी होना चाहिए। तो वो क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये दो तरह के हमने बताए, कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। देखिए पार्शियल मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास कोई एक वायर है ना, आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते होंगे, ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है ना, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, एक्स है ना, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, है एक्स है। जब डिफरेंशिएट करते हैं किसी एक्स को, इस डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत इसके छोटी छोटी सी एक डिस्टेंस को आप ले रहे हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, डी एक्स कहते हैं। इसका मतलब कोई बहुत ही छोटी सी जगह को हम इसको ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बहुत ही छोटी जगह को हम मानते हैं इसकी तुलना में, ठीक है। तो पार्शियल का मतलब यही होता है कि लगभग छोटे छोटे करके टुकड़े में हम उसको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो वही क्या होता है, पार्शियल होता है, ठीक है ना। उधर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ये बताया। पहले से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जान लीजिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, देखिए हमने क्या बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताया था कि देखिए भाई उसमें कम से कम एक तो क्या हो आपका, डेरिवेटिव हो, एक डेरिवेटिव टर्म होना चाहिए और साथ में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। हमने ये लिखवाया था ना, ये लिखवाया था ना भाई, है ना। फिर हमने क्या कहा था, एटलीस्ट कम से कम एक क्या हो उसमें डिपेंडेंट क्या हो, डिपेंडेंट कोई टर्म हो, है ना, एक क्या हो, डिपेंडेंट टर्म हो। लेकिन सोचिए अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट टर्म हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, और एक टर्म होता है तो क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है ना भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, जिसमें अगर एक डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव होने के साथ साथ इसमें अगर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, एक क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं वो कौन से इक्वेशन होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, है ना, कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे जैसे ये ले लीजिए dy by dx ऑफ सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। चलिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया ना, यहाँ क्या देख रहे हैं, डेरिवेटिव भी है और एक डिपेंडेंट टर्म भी है, ठीक है ना, डेरिवेटिव भी एक डिपेंडेंट टर्म भी आता है, एक्स भी, एक्स क्या है, डिपेंडेंट टर्म होता है, ठीक है ना। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, तो आप कहेंगे सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली आप इसमें एक ऐसे एक ये मान सकते हैं कि ऐसा एक इक्वेशन होता है इसमें, जिसमें एक क्या होता है, एक ही वेरिएबल इसमें मान सकते हैं, ठीक है ना, एक वेरिएबल होता है, ठीक है, एक वेरिएबल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। वैसे जो इक्वेशन होते हैं वो कौन से इक्वेशन होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है इतना ना, देखिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा एकदम आराम आराम से मन लगा के। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना थोड़ी लेंदी टाइप के हो जाते हैं, है ना, थोड़ी लेंदी बन जाते हैं। अभी आप वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, आयलर इक्वेशंस पढ़ेंगे, है ना, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन भी आता है, डिफरेंशिएशन भी आता है। तो आप जो पढ़े हैं ट्वेल्थ क्लास में वो आपका बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं हो, अगर नहीं भी है तो बार बार आप जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ना, इन सब क्वेश्चंस हम करवाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और बढ़िया आपके हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई। देखिए अगर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसका जो डेफिनेशन देंगे वो कैसे देंगे, कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगता है, है ना, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है। और इसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा रखने का मतलब क्या है भाई, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको एक्स वाई जेड के टर्म में देता है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के टर्म में देता है, कहता है कि तीनों को तीनों क्या है, वेरिएबल है।
वेरिएबल है मतलब तीनों से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन आपके पास u इक्वल्स टू, यू मान लीजिए u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोई फंक्शन आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल्स हैं x, y, z है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये वैल्यू इसमें क्या करते हैं, पुट करके चेंज कर सकते हैं ना। x, y, z क्या है, वेरिएबल्स हैं। हमने क्या कहा, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होने का मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास डेल u बाई डेल x भी मिल सकता है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ एक बात और, जब पार्शियल की बात चलेगी, देखिए डिफरेंशियल जब डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो हम क्या लिखते हैं हमेशा डी वाई बाई डी एक्स। कोई फंक्शन आपको y देता है और x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना रहता है तो आप उसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चलती है तो यही d ऐसे ना लिखकर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी आपको अगर आपको ये साइन दिखता है समझ जाइए वहाँ पर क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएट किया जा रहा है। पार्शियली डिफरेंशिएट किया जा रहा मतलब वहाँ एक से ज़्यादा क्या होंगे, वेरिएबल मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा भाई, डी वाई बाई डी एक्स को आप कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डेल्टा को ऐसे लिखेंगे। डेल्टा को लिखने के कई तरीके होते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं, है ना। यहाँ पार्शियली के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, ये उल्टा छः ना, छः ऐसे होता है ना भाई, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा छः डेल्टा, ठीक है ना। देखिए डेल्टा है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, तभी भी आपके पास कोई ना कोई फंक्शन निकल के आएगा इसका, है ना। एक बात तो और है, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उनको आप कॉन्स्टेंट मान लेंगे। ध्यान सुनिएगा, डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा आपको वेरिएबल दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक से ज़्यादा वेरिएबल देने का मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में भी और जेड के रिस्पेक्ट में भी करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी के जितने भी फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं उनको आप क्या कर देंगे, कॉन्स्टेंट, यानी y और z क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। इनको एज ए कॉन्स्टेंट हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और बाद में जो फंक्शन आता है वो फंक्शन आ जाता है, वो फंक्शन जो होता है वो डी यू बाई डी एक्स हो जाता है, यू फंक्शन हमारा होता है, ठीक है ना। ये सब क्या है भाई, वेरिएबल्स हैं। ऐसे अगर आप डी डेल यू बाई डेल वाई भी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, अभी भी कोई ना कोई फंक्शन आएगा और उस फंक्शन जो होगा वो y का फंक्शन होगा, मतलब x और z वहाँ क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट। x और z क्या हो जाएंगे वहाँ पर, x और z कॉन्स्टेंट, कब, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बढ़िया से एकदम प्यार से समझा रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। देखिए हमने यहाँ से क्या बताया भाई, कोई फंक्शन आपको u दिया जाता है ऐसे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल्स हैं वो एक ज़्यादा हैं, तीन तीन वेरिएबल दिए गए हैं, है ना, तीन तीन वेरिएबल दिए गए हैं, और तीनों का क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या क्या, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को क्या मान लेंगे, एज ए कॉन्स्टेंट, क्या मान लेंगे भाई, एज ए कॉन्स्टेंट मान के डिफरेंशिएट करेंगे। साथ ही साथ अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स और जेड को क्या मान लेंगे, देखिए इस पर हम आपको अभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे आप समझ जाएंगे, लेकिन अभी जो पहले समझा रहे बेसिक चीज़ें वो थोड़ा आराम से समझिए। देखिए हमने क्या कहा, यू आपको कोई फंक्शन दिया गया जिसमें क्या है, तीन तीन वेरिएबल है, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, है ना। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे तभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे तभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप डेल यू बाई डेल जेड निकालना चाहें तभी भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उस समय जब आप डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे उस टाइम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। समझ में आए इतनी बात, फिर से बताएं। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या कहा, पार्शियली किया जाता है मतलब टुकड़ों में किया जाता है, है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी फंक्शन आपको दिया रहता है उसमें एक से ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, वेरिएबल्स मिल जाएंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स मिल जाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो वो भी एक से ज़्यादा होगा, वन टू थ्री देख रहे हैं डेरिवेटिव कितने आ रहे हैं, तीनों के अलग अलग डेरिवेटिव निकल जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बताया, हमने कोई एग्जांपल लिया u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। फिर हमने क्या कहा भाई, ये देखिए यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल्स दिए गए हैं, तीन तीन वेरिएबल देने का मतलब तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट कर देंगे, मान लीजिए अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, फंक्शन में वाई और जेड के जो भी टर्म्स होंगे वाई और जेड को क्या कर लेंगे हम, एज ए कॉन्स्टेंट मान लेंगे, ठीक है ना भाई, एज ए कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। समझ में आई इतनी बात,
समझ भाई। देखिए अभी इस पे अभी एक दो एग्जांपल भी करेंगे, हम एग्जांपल भी करेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, और क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर बताएंगे आपको कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतनी मत क्लियर है कि नहीं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, और इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल की बात है ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जरा इसकी डेरिवेटिव जो भी है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अगर ऑर्डर की बात करें, देखिए समझ लीजिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बता देने साथ साथ। देखिए हम बात करते हैं ऑर्डर की, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ऑर्डर की बात करते हैं कि वो कितने ऑर्डर का है ना, उसके हम ऑर्डर की बात करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं उसके डिग्री की है ना, कि उसकी डिग्री कितनी है, ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाता है, मान लीजिए ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, प्लस थ्री इक्वल्स टू मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स की पावर फोर। चलिए हमारे पास एक ही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स भी हैं और साथ ही साथ क्या है भाई, वेरिएबल भी हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपके पास कोई एग्जाम्पल लिया गया और कहते हैं क्वेश्चन की फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में कभी 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 आ जाता है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है, फोर है। देखिए ऑर्डर ऑर्डर की डिग्री निकालना बहुत ही आसान है ना, ऑर्डर और डिग्री निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, क्यों देखिए कोई फंक्शन आपको दिया जाता है, कोई फंक्शन आपको वाई दिया गया है ना, इसमें क्या देख रहे हैं किसी फंक्शन वाई का क्या किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया है ना। तो किसी फंक्शन को जितनी मैक्सिमम टाइम्स, जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, मैक्सिमम जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है वो होता है उसका ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मतलब उस ऑफ दैट फंक्शन, समझ रहे हैं इसका मतलब कि जो आपके पास वाई फंक्शन दिया रहेगा ना उसको जितनी बार मैक्सिमम टाइम जितनी बार आप डिफरेंशिएट करते हैं है ना, वही क्या होता है इसका डिफरेंस, जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं मैक्सिमम टाइम्स वही क्या होता है इसका ऑर्डर होता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास फंक्शन दिया गया है, ये जो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, जरा इस इक्वेशन में बताएंगे कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन वाई है, वाई का मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया था, देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, ठीक है, सेकंड टाइम करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है, थर्ड टाइम करेंगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ देख रहे हैं थर्ड टाइम है नहीं, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, दो बार। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, दो हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं, सिंपल सा एकदम है कि कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उसको जितनी मैक्सिमम जितनी बार आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं वही उस इक्वेशंस की क्या हो जाएंगे, ऑर्डर हो जाएंगे। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ऑर्डर क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, जितनी बार आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फिर पूछते हैं भाई डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ऑर्डर तो आप समझ गए क्या होता है कि जितनी बार मैक्सिमम जितनी बार वो डिफरेंशिएट किया गया फंक्शन को वो क्या होता है, ऑर्डर होता है, डिग्री क्या होता है। तो देखिए मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है ना, मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है इसकी पावर कितनी है वो देखते हैं, क्या देखते हैं, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, पावर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी है, वन, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन आपको दिया रहेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो निकालेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, द पावर ऑफ दैट हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री। फिर सुनिएगा ध्यान से, काफ़ी आसान से लेकिन कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की, ठीक है ना। ऑर्डर हमने क्या कहा भाई, ऑर्डर हमने क्या कहा हाईएस्ट डेरिवेटिव
डेरिवेटिव, ठीक है। साथ में आप नोटबुक पेन लेके बैठा करिए, ठीक है ना, जो भी हम लिखवाते हैं बढ़िया चीज जो लगता है कि हाँ चलो ये अच्छा है काम लायक है तो आप लिख लिया करिए, ठीक है ना। देखिए ऑर्डर क्या होता है, हालांकि आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन नोट्स आपको कब तक प्रोवाइड हो, कब तक टाइपिंग हो, तो आप डायरेक्ट जब भी हम करवाते हैं बोर्ड पर ना वो आप कर लिया करिए, उतना करेंगे तो नोट्स आपको ऑटोमेटिक बनता जाएगा भाई, और जो प्रैक्टिस सेट तो आपको मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट की चिंता मत करिए, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। देखिए ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन of that function is known as the order of that differential equation, ठीक है ना। ये क्या होता है ऑर्डर, है ना, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ में अगर हम बात करते हैं डिग्री की, डिग्री क्या होती है, डिग्री डिग्री के लिए हमने क्या बताया आपको, बहुत ही बेसिक बातें बताई है, एकदम बच्चों को बच्चों वाली डेफिनेशन हमने दी है, याद हो जानी चाहिए आपको। डिग्री हमने क्या बताया आपको, देखिए डिग्री हमने क्या बताया कि जो भी आप हाईएस्ट डेरिवेटिव निकालते हैं ना उसकी पावर कितनी है, है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, यानी पावर ऑफ, सॉरी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री इज नोन as the degree of that differential equation चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिए होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमने बस नॉर्मल चीज़ें बताई हैं कि हाईएस्ट जितनी बार भी डेरिवेट कर सकते हैं उसको वो होता है इसका ऑर्डर, और उस हाईएस्ट जो डेरिवेटिव उसका हाईएस्ट पावर जो इतनी होगी ना वही क्या होगी उसकी डिग्री। फॉर एग्जांपल चलिए कोई फंक्शन लेते हैं, कोई इक्वेशन लेते हैं d2y by dx square plus d3y by dx cube की पावर 2 equals to 3 d3y by dx cube की पावर 4 plus d2y by dx square की पावर 9। चलिए कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये वाला। अब क्या पूछता है इसमें कि फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर हमने क्या बताया था कि हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेट कर रहे हैं, फंक्शन हमारे पास वाई है, आप देखो पता चल रहा है फंक्शन क्या है, वाई है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब उसको कितनी बार हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। देखिए यहाँ d2 है, दो बार डिफरेंशिएट, d3 है, तीन बार डिफरेंशिएट, मैक्सिमम 3 है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है वही इसकी क्या होती है ऑर्डर, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका आता है डिग्री, तो डिग्री हमने क्या बताया था, देखिए आप लोग साथ साथ देखते रहिए और बताते भी रहिए, आप लोग कमेंट भी करते रहिए, ठीक है ना। देखिए हमने और डिग्री क्या बताया था कि हाईएस्ट जितनी बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर d3 यहाँ पर भी है, d3 यहाँ पर भी, लेकिन हम यहाँ देख रहे, यहाँ देखिए इसकी पावर 9 है, पावर तो हाईएस्ट है लेकिन डिफरेंशिएट जो किया गया है वो हाईएस्ट नहीं है, ठीक है ना। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है, डी क्यूब है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि डी क्यूब यहाँ पर भी, डी क्यूब यहाँ पर भी है, यहाँ इसकी पावर 2 है और यहाँ इसकी पावर क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो हमने डिग्री के बारे में क्या बताया था कि हाईएस्ट कितना उसका पावर है, किसका हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया फंक्शन को
उसकी हाईएस्ट कितनी पावर है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 4, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4। चलिए बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें थी, है ना, ऑर्डर ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन दिया था कि इफ़ यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। कोई फंक्शन आपको ऐसे दिया गया है, देन प्रूव दैट देखिए इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई, प्रूव दैट क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई सॉरी डेल यू है डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, यहाँ नहीं है डेल है, ठीक है ना, उल्टा तो छः लिख रहे हैं, ये क्या है डेल है। ये डेल कब यूज किया जाता है, जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था आपको, तो एक्स इक्वल टू क्या प्रूव करना था आपको, सही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना था। करने का तरीका देखिए कैसे होता है, है आसान लेकिन करने का तरीका थोड़ा पता होना चाहिए, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए, है ना, नंबर ये सब क्या करते हैं गेन करवाते हैं देते हैं हम लोग को, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास जो u इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये फंक्शन हमको दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ से आप डेल यू निकालना चाहेंगे तो डेल यू कितना आएगा भाई, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स निकालना चाहेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले वे पूरे वे से करेंगे और क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट इसको देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, देन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई कीपिंग वाई एंड जेड एज अ कॉन्स्टेंट। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, जब भी आप डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे उनके अलावा बाकी को क्या कर लेंगे आप, कांस्टेंट मान लेंगे। तो चलिए देखिए कांस्टेंट मानेंगे, या अगर आप यू आपके पास ये दिया गया है तो अगर आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और वाई कॉन्स्टेंट है, वाई का वाई रहेगा, क्लियर है ना, एकदम आराम से देखते जाइए। ये डिफरेंशिएशन सब आपके 11th 12th के, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। देखिए प्लस वाई स्क्वायर और जेड ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है जीरो, ये हो जाएगा जीरो। प्लस यहाँ से देखिए जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, यानी आपके पास कितना निकल के आएगा du/dx की वैल्यू, तो कहेंगे सर 2xy + जेड स्क्वायर, ये आपके पास क्या आया इक्वेशन मान लेते हैं, ये हो गया सेकेंड, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, हम क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि हमें प्रूव करना है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल जेड इक्वल्स टू ये आ जाए, हम ये ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप डेल यू बाई डेल वाई निकालना चाहें तो फिर ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, हम लिख नहीं रहे लेकिन आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द वाई बाई कीपिंग द एक्स एंड जेड एज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स और जेड को क्या करेंगे कॉन्स्टेंट मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट है, y का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2y और z क्या है कांस्टेंट, ठीक है, प्लस z स्क्वायर है और x दोनों कांस्टेंट है यानी 0 हो जाएंगे, यानी इक्वल्स टू कितना है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ऐसे आगे निकालेंगे, अगर आप अगेन ये चीज़ लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द जेड बाय कीपिंग एक्स एंड वाई एज ए कांस्टेंट, तो करेंगे तो क्या आएगा भाई डेल यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू कितना आएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई दोनों कांस्टेंट है यानी ये हो जाएगा जीरो, प्लस
वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और जेड का क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z और x क्या है कॉन्स्टेंट है, यानी जो यहाँ से आप क्या देखेंगे वैल्यू होगी वाई स्क्वायर प्लस 2zx। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए हमारे पास क्या है कि भाई डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड, हमें जो जो चाहिए था, देखिए हमें क्या क्या चाहिए था प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, हमने तीनों निकाल लिया है, हमको प्रूफ करना है ये है ना। तो हम क्या करते हैं एलएचएस साइड अगर लेते हैं, एलएचएस अगर आप लेते हैं, एलएचएस मत लीजिए डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए कि बाई एडिंग, ऐड कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को क्या कर रहे हैं भाई हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, देखिए कितना आएगा डेल यू बाई डेल एक्स ये ऐड हो जाएगा प्लस किससे डेल यू बाई डेल वाई से और प्लस डेल यू बाई डेल जेड, तीनों का आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं सब आपस में ऐड हो गए, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से अगर ऐड होगा तो क्या होगा, देखिए 2xy, ठीक है, देखिए हम टू वाले टर्म को एक साथ लेंगे 2xy प्लस 2yz एक साथ लिख रहे हैं प्लस 2zx, 2zx, फिर यहाँ से देखिए जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई,